बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाव न्यू अपडेट टीवी में। प्यारे दोस्तों, आज की खबर दुबई के हवाले से आप लोगों को देने वाला हूँ। दुबई का वाकया है, कल का वाकया है, आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप लोगों ने लाजमी दबा लेना है ताकि ऐसी मजीद वीडियो हम सबसे पहले आप तक लेके आएँ और आप लोगों को आगाह करते रहें, आप लोगों को नई से नई खबर देते रहें। अगर आप यूएई में रहते हैं या यूएई की किसी भी रियासत में रहते हैं, यानी शारजा, अजमान, अबूजबी, ओलैन, किसी भी रियासत में रहते हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ख़ास है, क्योंकि हम यूएई की हर खबर आप लोगों तक पहुँचाते हैं, चाहे वो खबर छोटी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कोई भी खबर हो, सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आज कल का वाकया आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक अरबी पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहा था तो उसके बैग में 5 लाख दिरहम थे। कितने? 5 लाख दिरहम। और वो जो अरबी है वो एक प्लाजे में उतरा है कुछ लेने के लिए, और वहीं वो बैग अपना, उसको कोई काम पड़ा है या कुछ भी, वो अपना बैग भूल के चला गया। अब देखो, वो पाकिस्तानी अगर वो चाहता तो वो 5 लाख दिरहम लेके अपने घर भी चला जा सकता था, भाग भी सकता था। लेकिन जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि यार इस बैग में इतने पैसे हैं, उसने वो बैग खोला और वो वापस उसी जगह आ गया जहाँ पे वो बंदा उतरा था। अब वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम, उसने बताया कि मैं 5 घंटे उसी जगह खड़ा रहा। आखिरकार वो बंदा वहाँ पर आ गया, परेशान बहुत था। तो जैसे ही उस बंदे ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा और मैंने उसके हाथ में वो बैग दिया, तो यकीन मानो वो इतना खुश हुआ, इतनी उसने दुआएं दी ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, और उसने बोला कि वाकई यार आप लोग गुड हो। अगर आपके साथ भी ऐसा वाकया हो जाता है तो आप भी कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आप क्या करते। उस बंदे ने तो पैसे वापस कर दिए, अगर आपको ये पाँच लाख दिरहम मिल जाता तो आप उसका क्या करते, वापस करते या ले जाते? अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।